नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। एनडीए के साथ इस बार बिहार की तमाम पार्टियां आई। यहां पर सिर्फ एक मुद्दा था बिहार में विशेष राज्य का। अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ने ही देखिए यहां पर जो एनडीए की तमाम बैठक हो रही है उसमें बार बार इस मुद्दे को रखते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही ये चाहते हैं कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात के अगेंस्ट है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ये बात नहीं चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दिया जाएगा। हालांकि अगर नीतीश कुमार अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, तो नीतीश कुमार को बड़ा झटका जरूर बिहार में देखने को मिल सकता है। दरअसल देखिए, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है 2025 में। तमाम पार्टियों ने अपनी जो तैयारियां शुरू कर दी है। यहां पर तेजस्वी यादव पहले ही वादा कर चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर दिलाएंगे। और नीतीश कुमार तो शुरुआत से ये कह रहे हैं कि हम भाई मांग रखेंगे, मांग उठाएंगे, उठाई भी है मांग यहाँ पर। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी इस मांग को पूरा करेगी, ये देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर बिहार से भाई नीतीश बाबू जाते हैं, बिहार से अगर ये एनडीए गठबंधन की सरकार जाती है, तो कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार जरूर फिसलती हुई नजर आएगी। दरअसल मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार ने इस बार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी एनडीए की झोली में डाल दिए। लेकिन 12 सांसद डालने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ बड़ा प्रभाव नहीं देखा गया, कुछ बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं दी गई। लेकिन नीतीश कुमार की जो मांग है, क्योंकि उनका ये वादा है, उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया है विशेष राज्य के दर्जे का, और ये उन्होंने मांग रखी है एनडीए की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सामने। अगर उनकी इस मांग को भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं करती है तो नीतीश कुमार जरूर बड़ा खेला कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात करी थी, और इतिहास गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात करी है तब तब बिहार में सत्ता बदलती हुई दिखाई दी है, मतलब परिवर्तन सत्ता में हुआ है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, भले यहाँ पर एनडीए के साथ मिलकर रहे या फिर आरजेडी के साथ मिलकर रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा तो यहाँ पर दिल्ली में भी कुर्सी गिरती हुई नजर आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, क्या ये सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है या फिर नहीं, क्योंकि इस मामले में चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ हैं। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।